नंबरिंग होगी वो उस जनता की होगी जिनके पास ये बड़ी डिनोमिनेशन का नोट है। सही मुस्तफा, और बात हम आपसे करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन कुछ बातें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, ये वैध रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 2000 के नोट खत्म हो रहे हैं, इसे अवैध घोषित किया जा रहा है, इसे वापस लिया जा रहा है, अभी ऐसा नहीं है। अभी ये है कि 2000 के नोट पर अनघा हमारी संवाददाता बेंगलुरु से, अनघा क्या रिएक्शन है बेंगलुरु में? अनघा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा निर्णय आया है, बाजार से अब वापस होंगे 2000 रुपए के नोट, लेकिन ये वैध रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बाजार में नहीं चलेंगे, बाजार में मौजूद भी रहेंगे, बाजार में चलेंगे भी, लेकिन एक इसमें पेच है, वो ये कि 23 मई से 30 सितंबर तक आप वापस कर सकते हैं। सुशील कुमार मोदी जी, बिहार बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद मोदी जी आज तक से बातचीत करने के लिए। आप ही ने पहली बार ये मुद्दा उठाया था, और अब 2000 का जो नोट है आरबीआई नए नहीं छापेगी, सर्कुलेशन में अब नहीं रहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात तो सही है कि ये एक इमरजेंसी में इसको लॉन्च किया गया था, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय नोटों की कमी थी, इसलिए सरकार ने 2000 का नोट जो है और जारी किया था जी। और अभी भी बाजार में कहीं आपको ये गुलाबी रंग का नोट दिखाई नहीं पड़ता है, और लोगों ने होर्डिंग करके रख रखा है 2000 के नोट को, तो इसलिए ये अच्छा किया सरकार ने कि 2000 के नोट को एक तरह से फेज आउट करने का, क्योंकि पहले ही प्रिंटिंग तो पहले से ही बंद थी और नई प्रिंटिंग हो नहीं रही थी जी, और जो फेज आउट करने का जो तय किया तो